स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन साइंस सेशन विद चैप्टर नंबर 4 द नर्वस सिस्टम लेक्चर 2. वी रेड अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. नाउ वी विल रीड अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? अगर हमारे हाथ पर कोई पिन चुभ जाए, व्हाट वी डू? वी टेक बैक आर हैंड. हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं. व्हाई? सडनली इट हैपन्स. अचानक से ऐसा होता है या कुछ गर्म हमारे हाथ पर टच हो जाए, वी ड्रॉ बैक आर हैंड. हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं. दिस ऑल एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस. ये सारे एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिसमें ब्रेन कोई रोल प्ले नहीं करता. दीज एक्शंस आर सडनली अकर. ये एक्शंस हमारी बॉडी में बहुत सडनली होते हैं जिसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है. हमारी स्पाइनल कॉर्ड जिन एक्शंस को क्विकली और ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है, सच एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस. हमारी नोज़ में कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर हुआ, वी स्नीज. हम छींक देते हैं. दिस मैसेज डू नॉट ट्रांसफर टू द ब्रेन. जब हमारे नोज़ में कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर हुआ तो ये मैसेज ब्रेन तक कन्वे नहीं किया जाता. सडनली ये हमारे को रिस्पॉन्ड करना होता है इसको, तो इसलिए हमारी स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को विदाउट सेंडिंग टू ब्रेन, ब्रेन तक नहीं पहुंचाए बिना खुद ही रिस्पॉन्ड कर देती है. और इस एक्शंस को ही, इन एक्शंस को ही हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. एन ऑटोमेटिक एंड क्विक एक्शन दैट डज नॉट नीड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन. ऐसे एक्शंस जिनको ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नीडेड नहीं होता, जिनके लिए ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है, इनको डील करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड होती है. ऐसे एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं. व्हेन द कंटेनर इज टच बाय योर हैंड एंड कंटेनर इज हॉट, यू ड्रॉ बैक योर हैंड्स. दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन. स्टूडेंट टर्न योर बुक टू पेज नंबर 48. सेंस ऑर्गन्स. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. दिस यू हैड ऑलरेडी लर्न इन योर अर्लियर प्रीवियस क्लासेस. Eyes, ear, nose, tongue and skin. अभी तक आपने eyes, ear, nose, tongue and skin के functions पढ़े हैं. But now you will read about their structures. अब इस chapter में हम उनके structures भी पढ़ेंगे. First is eyes. Eyes give us the sense of vision. You know that we are able to see around us just because of eyes. आँख की वजह से हम लोग आसपास देख सकते हैं. इट हेल्प अस टू सी. ईच आई कंसिस्ट एन आई बॉल विच इज़ लोकेटेड इन अ होलो कैविटी एंड दिस होलो कैविटी इज कॉल्ड ऑर्बिट. हमारी आईज जो हैं ये एक हमारी स्कल की होलो कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, और ये जो होलो कैविटी है इसे ऑर्बिट कहा जाता है. द आई बॉल फिल्ड विद अ फ्लूइड. आई बॉल एक फ्लूइड से भरी हुई होती है, एक लिक्विड होता है हमारी आईज आई बॉल में. दैट प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द जर्क. जैसे आईज जो हैं हमारे स्कल बोन से टच नहीं होती और उन्हें जर्क नहीं लगता, उन्हें चोट नहीं लगती. द आई लिड एंड द आई लैशेज प्रोटेक्ट द आई बॉल फ्रॉम डस्ट. और हमारे आईज में जो आई लिड्स हैं, आई लैशेज हैं, दिस आई कवरिंग, आई का जो कवर है, आप पलक झपकते हो, पलक खोलते हो, these eyelids and eyelashes, these protect us our eyes from dust. ये हमारे eyeball को dust से protect करके रखती हैं. circular transparent area in the front of the eye is called cornea. student in the diagram you can see transparent part, this is cornea. it receive light and send it to the inner part of the eye. ये लाइट लेता है बाहर से, एटमॉस्फेयर से इसको लाइट मिलती है और ये इस लाइट को आई के इनर पार्ट पे सेंड कर देता है. द राउंड कलर्ड पार्ट इज़ द आयरिस. और जो राउंड कलर पार्ट जो आपको दिख रहा है वो है आयरिस. पीपल हैव डिफरेंट कलर ऑफ आइज बिकॉज आयरिस कैन कंटेन डिफरेंट कलर पिगमेंट. आप देखो किसी की ब्राउन आइज होती हैं, किसी की डार्क ब्लैक होती हैं, किसी की लाइट ब्लैक. हमारी आईज के कलर में वेरिएशन होता है एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द आयरिस. आर
आयरिस इज कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, हमारी आंख का जो कलर्ड पार्ट है जो हमें ब्लैक ब्राउन दिखता है, दिस इज आयरिस, ये एक आयरिस है. पीपल हैव डिफरेंट कलर ऑफ आईज बिकॉज ऑफ द आयरिस कलर, आयरिस के कलर की वजह से ही हम लोगों के आई का कलर भी डिफरेंट होता है. आयरिस हैज एन ओपनिंग इन द सेंटर कॉल्ड द प्यूपल, और आयरिस की इन फ्रंट आंख के आगे की तरफ एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं प्यूपल. लाइट एंटर आई थ्रू द प्यूपल, और लाइट जो है इस प्यूपल से ही हमारी आई में एंटर करती है. एट द बैक ऑफ द आई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, जो भी हम देखते हैं उसकी इमेज हमारी आंख के बिल्कुल पीछे बैक साइड पे बनती है, और जिस पार्ट पे हम इमेज बनती है वो पार्ट होता है रेटिना. ऑप्टिक नर्व कनेक्ट आई टू द ब्रेन, इन डायग्राम यू कैन सी ऑप्टिक नर्व्स, इमेज बनी, ये इमेज आईज ने देखी, मैसेज कन्वे किया गया थ्रू दिस ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन. ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगी और ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा. मैसेज फ्रॉम द रेटिना पास टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व, और मैसेज जो भी हमने देखा, ये सारा मैसेज हम याद दिखा हुआ देखी हुई चीज़ों को याद भी रखते हैं, ये सारा मैसेज हमारे ब्रेन पे जाता है, ब्रेन उसे मेमोरी पार्ट पे स्टोर करके रख लेता है, या उसके लिए अगर कुछ रिस्पॉन्ड करना होता है तो उस पार्ट को रिस्पॉन्ड भी कर देता है. सो स्टूडेंट, दिस वॉज अबाउट आई, नाउ वी विल रीड अबाउट हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आईज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ द आईज, यू नो वी आर नन विदाउट आईज, आईज के बिना हमारी दुनिया बिल्कुल अधूरी आधी हो जाएगी. अगर आई हम थोड़ी देर के लिए अंधेरा कर दें, बंद भी कर दें लाइट, अपने आईज क्लोज करके चलें, हाउ डिफिकल्ट वी फील. सो स्टूडेंट, इट इज़ नीडिड टू टेक केयर ऑफ आर आईज. रीड इन अ प्रॉपर लाइट, जब भी पढ़ाई करें तो प्रॉपर लाइट में हमें रीडिंग करनी चाहिए. रीडिंग इज़ टू ब्राइट और डिम लाइट में हार्म द आईज, ज़्यादा तेज रोशनी में और ज़्यादा कम रोशनी में भी, डिम लाइट में पढ़ने से भी हमारी आईज वीक हो जाती हैं. डू नॉट रीड इन द मूविंग व्हीकल एज इट स्ट्रेन द आई, चलते हुए व्हीकल्स में कभी भी रीडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे वर्ड्स हैजी होते हैं और हमारी आईज पे स्ट्रेन पड़ता है. डू नॉट रब योर आईज इफ़ दे आर इचिंग, अगर आँख में ज़रा भी इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है आपको, तो आपको अपनी आईज को रब नहीं करना चाहिए. वॉश योर आईज विद अ क्लीन एंड कोल्ड वाटर, अपनी आँख को क्लीन साफ पानी और ठंडे पानी से धोना चाहिए. डू नॉट यूज़ समवन एल्स टॉवल और हैंकरचीफ्स टू क्लीन योर आईज, किसी का भी टॉवल और हैंकरचीफ आपको यूज़ नहीं करना चाहिए. ऑलवेज यूज़ योर ओन हैंकरचीफ एंड टॉवल. वॉच टेलीविज़न फ्रॉम अ डिस्टेंस एट लीस्ट 6 feet, घर में टीवी देखते समय आप लोगों को 6 feet का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए टीवी को देखना है. Do not play game on computer, mobile phones or other gadgets for a long duration of time. लंबे समय तक के लिए मोबाइल, कंप्यूटर या किसी और गैजेट पे भी आपको गेम नहीं खेलने हैं. इससे आपकी आईज डैमेज हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं. Now student, this was about your eyes. We will read about ear. Ears give us the sense of hearing. As eyes help us to see, ear help us to hear the sound. Human ear has 3 main parts. Human ear के 3 main parts होते हैं, outer ear, middle ear and inner ear. The part of the ear that we can see and touch, this part is outer ear and it is also known as pinna. इसे pinna region और outer ear कहा जाता है. Sound enter outer ear and then passes into the middle ear. Sound outer ear से pass होती है and enter, फिर यह हमारे outer ear से enter होते हुए middle ear पे पहुँच जाती है. But what is in the middle ear? लेकिन middle ear में ऐसा क्या है जो sound vibration जो हैं वो help करते हैं सुनने में. Middle ear has eardrum. Middle ear में eardrum है. जैसे sound vibrations enter होते हैं middle ear में, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं. एज ईयर ड्रम वाइब्रेट, वाइब्रेशन पासेज अलोंग 3 tiny bones इन द मिडिल ईयर, और हमारे मिडिल ईयर में 3 tiny bones हैं दैट हेल्प वाइब्रेशन टू पास फॉरवर्ड, जो वाइब्रेशंस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं. दीज वाइब्रेशन देन पास टू द इनर ईयर
टाइनी बोन्स के से होते हुए वाइब्रेशंस इनर ईयर पे पहुंचते हैं. इनर ईयर को कॉचलिया नेम से भी इंडिकेट किया जाता है या जाना जाता है. इन दिस पार्ट ऑफ द ईयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय साउंड ट्रांसफॉर्म इनटू नर्व सिग्नल. इस पार्ट में इनर ईयर पार्ट में जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं इनटू नर्व सिग्नल सिग्नल्स के फॉर्म में, जिन्हें नर्व्स जो इनर ईयर में होती हैं वो नर्व्स कलेक्ट करती हैं इन इंफॉर्मेशंस को और हमारे ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाती है या कन्वे करके जाती है साउंड को. सो दिस हाउ आर इनर ईयर वर्क एंड हेल्प अस टू हियर. पूरे ईयर का स्पेशल रोल है, आउटर ईयर हो चाहे मिडिल ईयर हो या इनर ईयर हो, ईच हैज़ इट स्पेशल रोल. आउटर ईयर साउंड कैच करता है, इनर ईयर तक ट्रांसफ़र करता है और इनर ईयर जो है वो मैसेज कन्वे करता है ब्रेन तक. टेकिंग केयर ऑफ द ईयर्स, जैसे आइस की केयर नीडेड है वैसे ही हमारे ईयर के लिए भी नीडेड है कि हम उनकी केयर करें. ड्राई योर ईयर वेल विद अ ड्राई टॉवल और क्लोथ आफ्टर टेकिंग बाथ. आफ्टर बाथ नहाने के बाद यू शुड ऑलवेज ड्राई योर ईयर्स. अपने कानों को आपको अच्छे से सुखा लेना चाहिए. डू नॉट क्लीन योर ईयर विद अ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज हेयर पिन पेन पेंसिल और टूथपिक. कभी भी अपने कान को साफ करने के लिए यू शुड नेवर यूज़ शार्प ऑब्जेक्ट्स. शार्प ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करना है. कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ यू हैव ईयर एक. अगर ईयर एक है, कान में दर्द है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है. सो स्टूडेंट, दिस वॉज अबाउट योर ईयर एंड नेक्स्ट वी विल प्रोसीड विद द नोज. नेक्स्ट टॉपिक नोज वी विल डील विद लेक्चर नंबर 3. एंड स्टूडेंट योर वर्क इज टू रीड आइज एंड ईयर एंड रिफ्लेक्स एक्शन. थैंक यू.